जी, स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं दूध वाली कुल्फी आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने जो सामग्री ली है मैं वो आपको बता देती हूँ। हमने कॉर्न फ्लोर लिया है, इसका हमने आधा चम्मच लेना है। 1 कप हमने दूध लिया है। दूध आप कोई भी ले सकते हो, फुल क्रीम भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस, चीनी स्वाद अनुसार। हमने काजू बादाम पिस्ते को दरदरा कूट के ले लिया है। अब हम इसकी आइसक्रीम कुल्फी बनाएंगे। अब हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन रख दिया। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने दूध लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने दूध को गर्म होने देना, अच्छे से उबाल आने देंगे। अब ये हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसको स्लो गैस ही रखेंगे इस पर। इसमें अब हम डाल देंगे आधा चम्मच कॉर्न फ्लोर। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी गुटलियाँ नहीं बननी चाहिए, हमने ऐसे मिक्स करना है इसको। हमने कॉर्न फ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और जो हमने ड्राई फ्रूट काजू बादाम पिस्ता लिया हुआ वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से काट लेंगे। हमने दूध को 10 मिनट के लिए काट लिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला सेंस। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसकी कुल्फी बनाएंगे। हमारा दूध ठंडा हो गया। अब हम एक आइस कुल्फी ट्रे लेंगे, इसमें हम इसको डाल देंगे। ऐसे करके हम इसमें भर लेंगे। आप भी जमा के देखना, खाने में बहुत टेस्टी होती है। हमने कुल्फी ट्रे में इसको भर लिया। अब हम ऊपर से लगा देंगे फॉइल पेपर, उसको हमने अच्छे से पैक कर देना है चारों तरफ से, क्योंकि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। ऐसे करके अब हम चाकू से ऊपर से कट लगा लेंगे और इसमें हमने जो कुल्फी की स्टिक होती है वो हम इसमें लगा देंगे। हमने कुल्फी को अच्छे से पैक कर दिया। अब हमने 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप इसको रात को भी रख सकते हैं। मैंने कुल्फी को 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम एक पतीले में पानी लेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा इसको नीचे तक डीप करना है। हमने ऐसे करके डीप कर लेंगे। अब हमने इसको हल्का सा घुमा के निकाल लेना है। हम कुल्फी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखो हमारी कुल्फी कितनी अच्छे से जमी है। दूध की कुल्फी बनाई है हमने, सूखे ड्राई फ्रूट डाल के बनाई है। ऐसे ही हम पूरी कुल्फी निकाल लेंगे। ये हमारी दूध की कुल्फी बनके खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।